नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले बिहार बोर्ड एनुअल सेकेंडरी यानी कि इंटर क्लास ट्वेल्थ एग्जाम 2022 का परीक्षा परिणाम कैसे चेक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप जो अपना रिजल्ट है वो कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, रिजल्ट चेक करने से पहले आपको बता देते हैं कि रिजल्ट आपको कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, ये रिजल्ट आपको मिलेगा rozgarrizult.com पे, एक बहुत ही ट्रस्टेबल वेबसाइट rozgarrizult.com, जिसपे रिजल्ट सबसे तेज अपडेट होता है। साथ ही साथ ये रिजल्ट आपको मिलेगा sarkaririzult.com पे। गूगल पे जब भी आप सरकारी रिजल्ट लिखिए, लास्ट में .com जरूर लगाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं वो नोटिस जिसमें बताया गया है रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, इस समय आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी की गई नोटिस है, जिसमें बिहार बोर्ड के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी ने बताया है कि बिहार बोर्ड परीक्षा समिति का जो रिजल्ट है वो 16 मार्च को दोपहर 3 बजे माननीय मंत्री जी द्वारा जो है जारी किया जाएगा, माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी द्वारा जो है जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको इंटरफेस भी दिखाऊंगा कि रिजल्ट कैसे आएगा, आपका रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। आपको पहले बिहार बोर्ड की वेबसाइट भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ पहले कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम सीधा चलेंगे रिजल्ट वाले पेज पर। दोस्तों, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ उसमें यह है कि क्लास 12 की जो परीक्षाएं हुई थी वो 1 से 14 फरवरी के बीच हुई थी, और जिसका रिजल्ट है वो 16 मार्च को आ रहा था। अभी कुछ दिनों पहले इसकी आंसर की भी आई थी, जिसके आंसर की हमने आपको चेक करके बताया था कि आंसर की आप लोग कैसे चेक करेंगे। तो आपको बता दें, इस बार जो है कुल लगभग 13 लाख अभ्यर्थी जो है रजिस्टर्ड है 2022 वाले एग्जाम में, और जो रिजल्ट है वो 16 मार्च को दोपहर 3 बजे जारी होगा। मैं आपको इंटरफेस अभी दिखाऊंगा, उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर का ही बता दूं कि लास्ट ईयर जो है 78.04 कैंडिडेट पास थे, 8 में 77.97, साइंस में 76 और कॉमर्स में 91.48 अभ्यर्थी जो है पास थे। हम वापस चलते हैं अपने रिजल्ट वाले पेज पे। दोस्तों, हम लोग वापस अपने रिजल्ट वाले पेज पे आ चुके हैं। बता दीजिए, एक सैंपल पेज है क्योंकि इसका रिजल्ट आज दोपहर 3 बजे जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, दोपहर 3 बजे जारी होने के बाद लगभग कुछ इसी तरीके का इंटरफेस होगा। हम आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो आप उसको कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, जब रिजल्ट आएगा तो आपको सिर्फ दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक आपको रोल कोड, दूसरा आपको रोल नंबर। एग्जाम्पल, आपका रोल कोड है 0508511 6, तो यहाँ पे आपको रोल कोड डाल देना है। इसी तरह आपका जो रोल नंबर है, आप आपको एडमिट कार्ड देखेंगे, जब अपना प्रवेश पत्र देखेंगे तो उसमें आपको रोल कोड और रोल नंबर दोनों मिल जाएगा। तो आपका जो भी रोल नंबर है आप यहाँ डाल देना है। उसके बाद अगर ये कैप्चा रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्चा, अगर ये कैप्चा वहाँ पे स्क्रीन पे रहता है तो आपको उसको कैप्चा को डालना है और यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपके स्क्रीन पर दिखने लग जाएंगे। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दूं दोस्तों, ये एक सैंपल हम आपको लिए बता रहे हैं। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा 3 बजे दोपहर में 16 मार्च को, तो हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको लाइव प्रोसेस में दिखाएंगे कि रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।